चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। माय नेम इज रीता सिन्हा और आज भी हम आपको छत में दिख रहे हैं। दो तीन दिन से सुबह पानी भर जाते तो यहीं पर बैठ जाते जब तक पानी भर रहा होता है, और थॉर को भी ले आते हैं जिससे थोड़ा वो भी खुश हो जाए। उसे छत में रहना बहुत पसंद है। ओके, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कल के व्लॉग में कि वो 3-3.5 महीने का होगा। मैं आपको बता दूं, अभी उसको बहुत टाइम है। वो कल ही 80 डेज का हुआ है और अभी 85 में उसे रेबीज का फर्स्ट इंजेक्शन लगेगा। 85-90 डे में आई दोनों शायद रेबीज का ही है, ये भी मेरे को कंफर्म नहीं है। ना करते हैं आज का दिन स्टार्ट। और ठंडियों में छत पर बैठना तो सबको पसंद होता है, छत में भी क्या मतलब धूप में बैठना सबको पसंद होता है। मुझे भी अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठ के मैं सीधे यहीं पर आ जाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही पानी आ जाता है और पानी भरना पड़ता है और क्या मेरे को आना पड़ता है, मेरे को अच्छा लगता है। तो गाइज, मेरी वीडियो जा चुकी है एंड जैसे ही मैंने अपलोड करी अपनी वीडियो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया और हमने उसमें डांस वगैरह किया है तो उसमें जो गाना लगा था स्टे और मल्हारी उन सब ने कॉपीराइट दे दिया था, तो अभी मेरे को यह सब रिमूव करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा। तो गाइज, वो घड़ी आ चुकी है थॉर को नहाने की, और घड़ी नहीं आई है, कपड़े आए हैं उसके। कपड़े आ गए हैं, तौली आ गई है, शैम्पू आ गया है और इधर नहाने वाला है। और ये है इसका स्वेटर, ये है इसका कंडीशनर, ये है इसकी टॉवल और ये रहा उसका शैम्पू बांधने वाला। यहाँ पर आरंभ हो गया है इसके नहाने का, टाइम हो गया है। वैसे ही कोई ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहा है, मैंने और इसको देखा है। शैम्पू दो, कुछ ज्यादा एक्टिंग कर नहीं रहे। फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको नहलाओ चाहे कुछ भी करो ये तो बैठा हुआ है। सही बताऊं मां, और भी कितना वो करते हैं, आपको कैसे नहलाना पड़ता है, लोग भी समझ में आने इतना परेशान करते हैं। ये तो बैठा हुआ है इन जगह, गाना है अब तो आदत बात तो बहुत प्यारा है। देखो ऐसे बैठा हुआ है, कोई रोगी से बैठा रहता है नहीं ना, और पहली बार नहा रहा है, कोई कहेगा स्पेशल वन। कितना क्यूट है यार थॉर, अच्छा लग रहा है ना। हमारा थॉर बिल्कुल साफ साफ हो गया है, इतना क्यूट लग रहे हो। बजा लो तुम, मैं ना बोलती हूँ, ठंडा लग रहा है शायद, पानी से अभी इसको नए नए कपड़े पहने का, अभी मत पहनना, मैं कपड़े ऊपर छत में गीला कर देगा। अभी तो कितना क्यूट हो गया है। आपको नहलाने की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए थी क्योंकि कल थे वो ये वॉक में गया था, कुछ कीड़े वगैरह इसके ऊपर हो सकते हैं एंड प्लस जब से पैदा हुआ था उसके बाद से पहली बार नहा रहा था, चलो वो भी ठीक है, बट इसके ऊपर से बदबू आने लग गई थी एक्चुअली। तो फिर हमने कहा, दोनों बोला था कोई नहीं नहला तो हम इसे 2 महीने के बाद से सकते ही सकते हैं, बट कंडीशन ये रहती है कि जब उनको ज़रूरत होती है तब, और उसको ज़रूरत थी तो हमने इसको नहला दिया। अभी जब अब ज़रूरत होगी तब नहाएगा, और बहुत प्यारी से नहा भी लिया उसने और बहुत अच्छा है, ऊपर बैठा हुआ है अपनी जगह पे। अब इसको खोल नहीं रहे हैं क्योंकि अगर खोलेंगे तो वो फिर से गंदा हो जाएगा, फिर से पानी में चल जाएगा, तो मम्मी इसको कोम्ब वगैरह कर रही हैं। और क्या हमारा थॉर बिल्कुल नहा के रेडी हो चुका है और सूख भी गया है और यहाँ पर बांध रखा था इसे इधर इसके पूरा बिछा कर जिससे गीला ना हो जाए फिर से। बहुत क्यूट लग रहा है नहाने के बाद, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके ऊपर से, मम्मी इसको शेकन सिखा रही है। इसके दांत खुजलाते हैं ना, ये कुछ ना कुछ खाना ही चाहता है।
इस पे ये ब्लू कलर भी सूट कर रहा है और ये नियॉन कलर भी। मम्मी ने इसका पूरा ब्रश कर दिया है। तो गाइस थोड़ा दूध बोतल से मंठा पी रहा है, इतना क्यूट है वो। ऐसे नहीं पिला था, मम्मी ने ऐसे पिला दिया। टीनी की बनानी है ना ये। कितना क्यूट लग रहा है, ठीक है। यहाँ से पी भी ले रहा है वो, मट्ठा पिलाने के लिए कहा है ना डॉक्टर ने, मट्ठा कुछ ना कुछ ऐसे दूध का आइटम खिलाना है ऐसे, तभी तो स्ट्रांग बनेगा। अरे कितना क्यूट है ना मम्मी। जा रही हूँ अपने बैंग्स कटवाने, ये जो भी है बैंग्स कटवाने। मेरा एक्सपीरियंस सैलून वगैरह में इतना अच्छा नहीं रहा है, जब उनसे मैंने कटवाए तो उनने मेरे काट के इतने छोटे कर दिए, मैं कितने अंदर रील्स वगैरह नहीं बना पाया इसके चक्कर में। तो मम्मी को मम्मी वेस्ट करती है इन सब चीज़ों में, और मम्मी हमारे बचपन से काटती है, तुमको आइडिया भी है। तो भाई हाँ, मैं पूरे नहीं कटवा रही हूँ, बस मैं ये साइड वाले कटवा रही हूँ। ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये मैंने इसलिए बढ़ाया था जिससे मेरे बाल, मेरे जो बैंग्स हैं वो लंबे हो जाएं, बट अभी मेरे को बहुत दिक्कत कर रहे हैं और ये थोड़े लंबे हो गए ना। देखो चश्मा पहनती हूँ मैं तो, ये देखो अभी सीधे नहीं है, इधर तक आ ही जाते हैं, तो इनको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आईब्रो के बराबर करना पड़ेगा। बाल तो कट चुके हैं एंड ये थोड़ा बहुत मुड़ रहा है, वो थोड़ा तो मुड़ेगा क्योंकि मैंने अभी तक मुड़े मुड़े रखे थे उन्हें, तो उनको ठीक करना पड़ेगा मेरे को। और वैसे तो सही काट दिया, अभी आपको दिखाऊंगी कैसे काटा है कैसे नहीं काटा है। या बैक टू माय नॉर्मल्स, अपने को इतनी लेंथ पसंद है और अपना किनारे से कुछ निकल रहा है तो ये बेस्ट रहता है, सही है, बढ़िया है। अभी मैं जा रही हूँ डैडी के संग सामान रखवाने, एंड बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि क्या सामान रखवाना है, क्या करना है, क्या करके नहीं, तो वो मेरा है छपी छोटी दिवाली वाले ब्लॉग में और मेरे चैनल पर ये है, वो देख लेंगे तो आपको सारी क्वेरीज ये सॉल्व हो जाएगी कि हमारे घर में सारे प्रोटीन कहाँ से आते हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सा सामान रखवाने जाती हूँ या फिर जो भी है। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने सोचा था कि मैं रील्स बनाऊँगी आकर, बट अभी 3:30 हो रहा है और 4 बजे धूप चल जाएगी तो फिर कोई काम हो ही नहीं पाएगा मेरा, तो आज नहीं बना पाऊँगी रील्स, मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई यार। तो गाइस अभी मैं छत में आई हूँ एंड दो डॉगीज की कुल्हाड़ चल रही है यहाँ पर सामने, एक हमारे इसको मत देखो कौन है ये। सो ये आई थिंक ही इज अ पिच बुल जो भी है, इसकी और इसकी बहुत लड़ाई होती है, और इसने अपनी स्वेटर पहन लिया है, क्यूट लग रहा है बट सेम कलर है तो पता नहीं चल रहा है कि उसने स्वेटर पहनी कि क्या पहना है। तो यहाँ और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा इधर, मतलब सब कुछ मेरे पूरे गाल सब फट गए। तुम कुछ बोलना चाहोगे? क्या कुछ बोलना चाहोगे? आई डोंट नो कि सब डॉगीज पे भौंकते हैं पर ये उनमें नहीं भौंकता है, इसे डॉगीज वॉगीज से कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, जब भी वो भौंकते हैं तो ये मतलब मीम्स तो इनको पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो जब भी ऐसा होता है तो ये कुछ भी नहीं कहता। बट अगर इंसान इसे प्यार भी कर ले किसी मतलब स्ट्रेंजर कर देगा उसी का उस वक्त, ये चीज़ तो हमें उसको सिखानी है कि सबको नहीं, सबके ऊपर ऐसा नहीं घुराना है, मतलब ऐसा तो वो डॉगी है यार, वो जो जिसको नहीं जानता उसके ऊपर घुराएगा ही ऐसे, बट वो सीधे चढ़ ना जाए उसके ऊपर क्योंकि ये डेंजरस डॉग है भाई, किसी के जान वान भी ले सकता है, तो ये सब चीज़ें इसको ट्रेन करना पड़ता है और यही डिफिकल्ट होगा, और बाकी सब तो ये ठीक है, हम लोगों से बहुत प्यार करता है, बट अगर कोई बाहर का आ गया तो खत्म डाटा पाए। गाइस रात होती जा रही है एंड सुबह होएगी तो सुबह मेरा व्लॉग आएगा
एंड या गाइस, तो करती हूँ अपना ब्लॉग एंड होप यू ऑल लाइक इट। अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन बजाएगा। मिलते हैं फिर ऐसी नई नई वीडियोस के लिए, और या गाइस टेक केयर, बाय बाय।